कांग्रेस नेता राहुल गांधी लंबी विदेश यात्रा के बाद आज मंगलवार को भारत लौट रहे हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पूर्व कांग्रेस प्रमुख अमेरिका की अपनी हालिया यात्रा के बाद देर शाम भारत लौटेंगे। राहुल गांधी पिछले महीने के अंत में 6 दिवसीय यात्रा के लिए अमेरिका गए थे, जिसके दौरान उन्होंने भारतीय प्रवासियों, उद्यम पूंजीपतियों, तकनीकी अधिकारियों और छात्रों के साथ बातचीत की थी। अब भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी की कथित रहस्यमयी विदेशी यात्राओं को लेकर निशाना साधा है। ANI ने कांग्रेस पार्टी के सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि राहुल गांधी देर शाम भारत लौटने वाले हैं। वो कथित तौर पर पिछले 21 दिनों से अमेरिका में थे। इसको लेकर भाजपा ITCL के प्रमुख अमित मालवीय ने एक ट्वीट में कहा, राहुल गांधी विदेश में इतना समय क्यों बिताते हैं, खासकर उनकी यात्राओं का एक बड़ा हिस्सा रहस्य में डूबा हुआ है। उन्होंने कहा, विदेशी एजेंसियों और भारत के विरोधी समूहों के साथ उनकी गुप्त बैठकों की कई रिपोर्टें इन यात्राओं के उद्देश्य पर सवाल उठाती हैं। राहुल गांधी 23 जून को पटना में विपक्ष की एक महत्वपूर्ण बैठक से पहले भारत लौट रहे हैं। इस बैठक में विभिन्न गैर भाजपा राजनीतिक दलों के नेता भाग लेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी 2024 के महत्वपूर्ण लोकसभा चुनाव से पहले एकजुट विपक्ष बनाने के अपने प्रयासों के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बुलाई गई इस बैठक में शामिल होने के लिए तैयार हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को छोड़कर लगभग सभी प्रमुख विपक्षी नेताओं के बैठक में भाग लेने की संभावना है।